देखो आज आपके पास प्रीपोजिशन है कि लेट एक्स टू एंड वाई टू डैश बी टू टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट एफ कोई फंक्शन है एक्स से लेकर के वाई तक, देन हमें प्रूव करना है देन एफ इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए का क्लोजर इज कंटेंड हो जाए एफ ऑफ ए का होल क्लोजर के अंदर फॉर ऑल ए इज सबसेट ऑफ एक्स। ये थ्योरम है आपके पास। कहने का क्या मतलब है कि आपके पास दो कोई टोपोलॉजिकल स्पेस हैं, उनके बीच में एफ कोई भी मैपिंग है और एफ क्या होगी, कंटिन्यूस होगी इफ एंड इफ ओनली एफ ऑफ ए का क्लोजर इज कंटेंड हो जाए एफ ऑफ ए का होल क्लोजर के अंदर। ठीक है, ये थ्योरम हमें प्रूफ करनी है। इसका प्रूफ देखते हैं कैसे निकलेगा कि लेट सपोज कर लिया लेट एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस और लेट कर लिया कि ए इज सबसेट है किसका, एक्स का, और रिक्वायर्ड टू प्रूव हमारा क्या रहेगा कि एफ कंटिन्यूस लेके चले हैं, ये वाला पार्ट हम लेके चले हैं, प्रूव में ये रहेगा कि ए सबसेट है एक्स का, रिक्वायर्ड टू प्रूव में हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट यानी एफ ऑफ ए का क्लोजर कंटेंड हो जाए किसके अंदर, एफ ऑफ ए का होल क्लोजर के अंदर। तो कैसे होगा, लेट अस सपोज कर लिया हमने कि ये इसके अंदर दिखाना है, तो इसमें से कोई एलिमेंट लेंगे इसमें पहुंचा देंगे, तो इसमें से एलिमेंट हमने सपोज कर लिया कि वाई बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए का क्लोजर, तो इसका मतलब कि वाई किस फॉर्म का होगा, ये किसी की फंक्शनल इमेज होगी, यानी वाई किसके इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स के इक्वल, और जहाँ पे एक्स किस में बिलोंग करेगा ए का क्लोजर के अंदर, ए का क्लोजर के अंदर। तो एक थ्योरम थी आपके पास, यदि इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स यदि ए का क्लोजर के अंदर है और एफ क्या है कंटिन्यूस है, तो यदि एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू ए का क्लोजर, ये रिजल्ट है आपके पास है, कि एक्स यदि ए का क्लोजर में हो और एफ इज कंटिन्यूस हो तो एफ ऑफ एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा, एफ ऑफ ए का क्लोजर के अंदर बिलोंग कर जाएगा। ये थ्योरम थी आपके पास, एफ ऑफ ए का होल क्लोजर के अंदर बिलोंग कर जाएगा, ये थ्योरम थी कि एक्स यदि ए का क्लोजर के अंदर हो और एफ क्या हो कंटिन्यूस हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा, एफ ऑफ ए का होल क्लोजर के अंदर कंटेन कर जाएगा। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स देखो यहाँ से कितना है वाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, एफ ऑफ ए का होल क्लोजर के अंदर बिलोंग कर जाएगा। कहाँ से उठा था, देखो इसमें से उठा था और चला गया कहाँ पे, इसके अंदर, तो इसका मतलब कि एफ ऑफ ए का क्लोजर इज कंटेंड हो गया एफ ऑफ ए का होल क्लोजर के अंदर। यही प्रूव करना था हमने कि एफ यदि कंटिन्यूस है और ए इसका सबसेट है, तो इसका एफ ए का क्लोजर का फंक्शनल इमेज किसके अंदर कंटेन हो जाएगी, एफ ऑफ ए का होल क्लोजर के अंदर कंटेन हो जाएगी। अब इसका कन्वर्सली में देखो क्या होगा कि लेट सपोज कर लिया कि एफ ऑफ ए का एफ ऑफ ए क्लोजर कंटेन है एफ ऑफ ए का होल क्लोजर के अंदर फॉर ऑल ए इज कंटेंड इन एक्स के अंदर। हमें प्रूव करना है कि एफ इज क्या है, एफ इज कंटिन्यूस है, एफ कंटिन्यूस है, हमें ये प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या दिखाएंगे, लेट अस सपोज कर लिया कोई पॉइंट ले लिया हमने, कोई पॉइंट लेंगे हम एक्स नोट सपोज कर लिया हमने, लेट एक्स नोट बिलोंग टू कैपिटल एक्स एंड ए इज सबसेट है एक्स का सच दैट, कैसा सबसेट है, सच दैट, यहाँ पे सच दैट कि एक्स नोट है वो किस में बिलोंग करता है, ए क्लोजर के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि एक्स नोट ए का क्लोजर के अंदर बिलोंग करता है, तो इसका मतलब कि एफ ऑफ एक्स नोट किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, एफ ऑफ ए का क्लोजर के अंदर। समझ आ गया, टेकिंग एफ इमेज ऑन बोथ साइड, एक्स नोट यदि ए का क्लोजर के अंदर है तो एफ ऑफ एक्स नोट किसके अंदर चले जाएगी, एफ ऑफ ए का क्लोजर के अंदर। लेकिन यहाँ से देखो क्या लेके चले हैं, एफ ऑफ ए का क्लोजर इज कंटेंट है किसके अंदर, एफ ऑफ ए का होल क्लोजर के अंदर। तो इसका मतलब कि यहाँ से एफ ऑफ ए का क्लोजर कंटेंट होगा किसके अंदर, एफ ऑफ ए का होल क्लोजर के अंदर। इसका मतलब कि इसकी इमेज किसके अंदर कंटेंट हो जाएगी, एफ ऑफ ए का होल क्लोजर के अंदर कंटेंट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स नोट किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, एफ ऑफ ए का होल क्लोजर के अंदर बिलोंग कर जाएगा। तो इस कारण आपके पास थ्योरम थी कि एफ यदि कंटिन्यूस है एक्स नोट के ऊपर और उसकी इमेज एफ ऑफ ए का होल क्लोजर के अंदर चली जाती है, देखो ये वाली, यदि आपके पास
x बिलोंग करता है ए क्लोजर से और f कंटिन्यूस होगा, तो इसका मतलब कि f ऑफ x किसके अंदर बिलोंग का हो जाएगा, f ऑफ a का होल क्लोजर के अंदर, इफ एंड इफ ओनली की थी। और यदि f ऑफ x किसके अंदर बिलोंग हो जाएगा, f ऑफ a का होल क्लोजर के अंदर बिलोंग हो जाता है, यानी f ऑफ x नोट क्या हो गया, f ऑफ x नोट, देखो यहाँ से जो x नोट था वो किसके अंदर था, ए क्लोजर के अंदर, और उसकी इमेज f ऑफ a का होल क्लोजर के अंदर चली जाएगी, इफ एंड इफ ओनली का केस था ये, तो इसका मतलब क्या होगा कि f इज कंटिन्यूस होगा यहाँ से। और यही हमने प्रूव करना था कि ये हम लेकर चले थे और फंक्शन को कंटिन्यूस दिखाना था। देखो फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये होगा और ये होगा तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, समझ आ गया। उससे नेक्स्ट है आपके पास एक थ्योरम है, ये कहता है कि लेट आपके पास दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं, लेट कि एक्स टू एंड वाई टू डैश बी टू टोपोलॉजिकल स्पेस, मान लें कि दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं, एफ कहाँ से लेकर के एक्स से लेकर के वाई तक, देन द फॉलोइंग कंडीशन आर इक्विवेलेंट, क्या होगा, देन द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कौन सी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये कहता है कि एफ इज कंटिन्यूस, सेकेंड में क्या कहता है कि एफ इनवर्स जी इज ओपन इन एक्स फोर ओ इन एक्स फोर ओल जी ओपन इन वाई, थर्ड कंडीशन के अंदर क्या कहता है एफ इनवर्स के इज क्लोज्ड इन एक्स फोर एवरी के क्लोज्ड इन वाई, ये कहता है कि एफ इनवर्स के क्लोज्ड होगा एक्स के अंदर यदि आपके पास के क्लोज्ड होगा किसके अंदर, वाई के अंदर, ये थर्ड कंडीशन है। उसके बाद फोर्थ कंडीशन कि एफ ऑफ ए का क्लोजर इज कंटेंड होगा एफ ऑफ ए का होल क्लोजर फॉर ऑल ए इज कंटेंड इन एक्स, इसका मतलब क्या हुआ यदि कोई फंक्शन एक्स से लेकर के वाई तक है और ये नीचे वाली कंडीशन क्या होंगी, इक्विवेलेंट एफ कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब कि हर एक ओपन सेट वाई के अंदर उसकी इनवर्स इमेज किसके अंदर ओपन हो जाएगी, एक्स के अंदर, और यदि कोई वाई के अंदर क्लोज सेट है उसकी इनवर्स इमेज किसके अंदर क्लोज हो जाएगी, एक्स के अंदर, और एफ ऑफ ए का क्लोजर इज कंटेंट होगा एफ ऑफ ए का होल क्लोजर के अंदर हर एक सबसेट ऑफ एक्स के लिए। ये सारी की सारी कंडीशन हमें इक्विवेलेंट दिखानी है। इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि यदि हम फर्स्ट लें सेकंड आ जाए, सेकंड लें फर्स्ट आ जाए, सेकंड लें थर्ड आ जाए, थर्ड लें फर्स्ट सेकंड आ जाए, थर्ड लेके चलें फोर्थ आ जाए, और फोर्थ लेके चलें थर्ड आ जाए, फर्स्ट लेके चलें फोर्थ आ जाए, और फोर्थ लेके चलें फर्स्ट आ जाए, कहने का मतलब कि आप एफ कंटिन्यूस बोलो या फिर ये स्टेटमेंट बोलो कि हर एक जी ओपन है वाई के अंदर तो उसकी इनवर्स इमेज आती है एक्स के अंदर ओपन, ये बोलो या कंटिन्यूस बोलो, या फिर हर एक ओपन सेट इन वाई के वाई लेके चलेंगे और उसकी इनवर्स इमेज क्लोज्ड हो जाए एक्स के अंदर तो ये कह लो, या फिर एफ ऑफ ए का क्लोजर इज कंटेंट हो एफ ऑफ ए का होल क्लोजर ये कह लो, यानी कुछ भी कहो तुम इस स्टेटमेंट में से सारे का मीनिंग क्या है, बिल्कुल सेम है, कहने का मतलब सब क्या है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस हैं। यदि फंक्शन कंटिन्यूस बोलते हो तो इनमें से कोई भी बात आप बोल सकते हो, सेकेंड भी बोल सकते हो, थर्ड भी बोल सकते हो, फोर्थ भी बोल सकते हो। यदि आप थर्ड को लेकर चल रहे हो तो आप इसके अकॉर्डिंग आप सेकेंड स्टेटमेंट भी ले सकते हो, फर्स्ट भी ले सकते हो, और फोर्थ भी ले सकते हो, कहने का मतलब क्या है कि इनमें से कोई भी एक बात यदि आपको बोलता है तो बाकी तीन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो ये होती है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब सारी स्टेटमेंट क्या है, इक्वल एक समान है। उसके बाद इसका प्रूफ में देखते हैं, फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इसके अंदर एक फिफ्थ प्रॉपर्टी और है कि एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर कंटेंड है किसके अंदर, एफ ऑफ बी, बी का क्लोजर का इनवर्स इमेज फॉर ऑल बी इज सबसेट ऑफ वाई, फॉर ऑल बी इज सबसेट ऑफ वाई, ये एक फिफ्थ स्टेटमेंट हो रहा है। इसका प्रूफ के अंदर देखते हैं हम, इसमें क्या करेंगे, देखो फर्स्ट एफ इज कंटिन्यूस,
और ये क्या कहता है कि यदि फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो y के हर एक ओपन सेट की इनवर्स इमेज किसके अंदर ओपन हो जाएगी, x के अंदर। और ये हम पहले ही कर चुके हैं, एक थ्योरम मैंने करवाई थी उसके अंदर यही करवाया था कि f यदि कंटिन्यूस होगा तो y के अंदर जितने भी ओपन सेट हैं उनकी इनवर्स इमेज की क्या आ जाएगी, ओपन इन x। ये थ्योरम हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको यहाँ पर जरूरत नहीं है, हमें इफ एंड इफ ओनली की थ्योरम की थी ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ से कर लोगे आप कि फर्स्ट इम्प्लाई सेकेंड एंड सेकेंड इम्प्लाई फर्स्ट, यहाँ से तो ये बात कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे कि सेकेंड लेके चलेंगे और इससे हम क्या दिखाएंगे कि इससे क्या आ जाएगी, हम अपने पास थर्ड स्टेटमेंट आ जाएगी। सेकेंड लेके चलेंगे, थर्ड स्टेटमेंट आ जाएगी। क्या लेके चलेंगे सेकेंड के अंदर कि f इनवर्स g इज ओपन इन x फॉर ऑल g ओपन इन y, फॉर ऑल जी ओपन इन वाई, ये लेके चलेंगे हम। और रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है, सेकंड से हमें कहाँ पे जाना है, थर्ड के अंदर। इसका मतलब कि रिक्वायर्ड टू प्रूव में क्या रहेगा आपके पास कि एफ इनवर्स के इज क्लोज्ड इन एक्स फॉर ऑल के क्लोज्ड, के लिया है ना हमने, के क्लोज्ड इन वाई, ये लेके चलेंगे। और ये हमें प्रूव करना है कि ये किसके अंदर क्लोज्ड हो जाएगा, एक्स के अंदर क्लोज्ड हो जाएगा। अब यहाँ से के यदि क्लोज सबसेट है, ये लेके चलेंगे, फॉर ऑल लिया है कि के कोई भी क्लोज सबसेट ले ले हम वाई का, तो उसकी इनवर्स इमेज किस में दिखानी, क्लोज्ड एक्स के अंदर। हम क्या लेके चले हैं, लेट के इज क्लोज सेट इन वाई, तो वाई के अंदर ये के क्या है, क्लोज्ड है। इसका मतलब इसका कंप्लीमेंट कैसा होगा बताओ, ओपन, ओपन सेट इन y। और क्या लेके चले हैं, देखो यदि y के अंदर कोई ओपन सेट हो तो उसकी इनवर्स इमेज किसके अंदर ओपन आएगी, x के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दिस इंप्लाइज कि f इनवर्स y माइनस का k, क्योंकि ये ओपन है y के अंदर, तो इसकी इनवर्स गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी इनवर्स इमेज क्या आ जाएगी, ओपन आ जाएगी। किसके अंदर लिखोगे, इन x के अंदर। और इसकी इनवर्स इमेज कैसे खुलेगी, देखो f इनवर्स y माइनस का एफ इनवर्स के इज ओपन ओपन सेट इन एक्स। और इस बात का क्या मतलब हुआ, एफ इनवर्स वाई मतलब कि एफ इनवर्स वाई का मतलब क्या है, एक्स। एफ इनवर्स वाई का मतलब क्या है, एक्स। तो देयरफॉर एफ इनवर्स वाई एक्स, इसको एक्स लिख लोगे, माइनस का एफ इनवर्स के इज ओपन इन एक्स, ये ओपन हो गया एक्स के अंदर। और किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट यदि ओपन है एक्स के अंदर, तो इसका मतलब कि एफ इनवर्स के क्या हो जाएगा, इज क्लोज्ड इन एक्स, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो खुद सेट क्या होता है, क्लोज्ड होता है। यही हमने प्रूव करना था कि हम क्या लेके चले थे, के इज क्लोज्ड लेके चले थे वाई के अंदर, और इसकी इनवर्स इमेज किसके अंदर दिखानी थी, एक्स के अंदर क्लोज दिखानी थी, ये हमने दिखा दिया। इसका मतलब कि जो सेकंड कंडीशन लेके चले उससे हमने क्या दिखा दिया, फर्स्ट इज सेकंड से हमने क्या दिखा दिया, थर्ड इज ट्रू। अब हम क्या लेके चलेंगे, लेट अस सपोज कर लिया थर्ड इज ट्रू, और हम क्या दिखाएंगे, सेकंड इज ट्रू। यदि हम थर्ड लेके चलें, थर्ड लेके चलें, क्या मतलब हुआ थर्ड का, कि एफ इनवर्स के इज क्लोज्ड इन एक्स फॉर ऑल के इज क्लोज्ड इन वाई, कि वाई का कोई भी क्लोज सबसेट उठा लो उसकी इनवर्स इमेज किसके अंदर क्लोज्ड आ जाएगी, एक्स के अंदर। और सेकंड ट्रू करवानी है, तो इसका मतलब क्या, रिक्वायर्ड टू प्रूव में क्या रहेगा बताओ, कि एफ इनवर्स जी इज ओपन इन एक्स फॉर ऑल जी इज ओपन इन वाई, कि जी का कोई भी ओपन सेट लेके चलो और हमें प्रूव क्या करवाना है कि एफ इनवर्स जी इज ओपन इन एक्स, ये रिक्वायर्ड टू प्रूव में रहेगा। तो ये तो लेके चलना पड़ेगा, लेट अस सपोज कर लिया कि जी इज ओपन, ओपन किसके अंदर, इन वाई के अंदर। यदि जी ओपन होगा वाई के अंदर तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो y माइनस का g इज क्लोज्ड इन y, क्लियर दिस। इसका मतलब क्या कंडीशन लेके चले हैं कि y के अंदर कोई भी सेट क्लोज्ड है तो उसकी इनवर्स इमेज किसके अंदर क्लोज आएगी, x के अंदर। इसका मतलब कि रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ पे पीछे लिख देना भले ही, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन तो क्या आ जाएगा कि f इनवर्स y माइनस का g इज क्लोज्ड इन
एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इनवर्स वाई माइनस का एफ इनवर्स जी इज क्लोज्ड इन एक्स। अब एफ इनवर्स वाई का क्या मतलब है, एक्स, एक्स माइनस का एफ इनवर्स जी इज क्लोज्ड इन एक्स। अब देखो इस सेट का कंप्लीमेंट क्या आता है, क्लोज्ड, इस सेट का कंप्लीमेंट क्लोज्ड आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिख सकते हो, एफ इनवर्स जी इज ओपन, ओपन इन एक्स। हो गया प्रूफ। हम क्या लेके चले, क्या लेके चले हैं, के कोई भी क्लोज्ड है वाई के अंदर, उसके इनवर्स इमेज क्लोज्ड लेके चले हैं एक्स के अंदर। प्रूफ क्या कर दिया कि जे कोई यदि आप ओपन लेते हो वाई के अंदर तो उसकी इनवर्स इमेज क्या आती है, ओपन। इसका मतलब कि आप ये स्टेटमेंट लेके चलते हो तो ये आ जाती है, ये लेके चलते हो तो ये आ जाती है, इसका मतलब कि बोथ आर इक्विवेलेंट।